सांगलीचे अभूतपूर्व विधानसभाचे शिक्षक देवानंद शास्त्रीजी, त्यांचे विचार हवे असे सुने की जगामध्ये केवळ शेती इंडस्ट्री जुनी झाली जीवन अच्छी तरीके समझे और जिनकी राजनैतिक क्षेत्र की शुरुआत यूथ मूवमेंट से भी उसी शीशा को जी धीरज शर्मा जी, सोनिया जी, नौजवान साथियों उन्हें यहाँ आने के लिए देर हो गया क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चालू है और आज प्रधानमंत्री का इलेक्शन फिक्स था और जब प्रधानमंत्री बनने के लिए खड़े होते हैं तो जल्दी ही सदन में हम कभी 80 सीट छोड़कर बाहर जाते हैं मगर प्रधानमंत्री का सीट सुनने के बाद मुझे मेरा दुख हो गया। देश का प्रधानमंत्री पूरे देशवासियों का प्रधानमंत्री होता है, किसी एक पार्टी का प्रधानमंत्री होता है। देश की जिम्मेदारी उनके कंधे पर होती है, मगर उन्होंने आज जो शुरुआत की देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इनके ऊपर किसी सिद्धम करने की। जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री हो गए कि देश के आजादी के लिए जिन साथियों ने अपना जीवन का अच्छा समय अंग्रेजों से जेलों में कटाया, इनमें से जो महान नेता थे महात्मा गांधी जी के साथ इसमें जवाहरलाल नेहरू थे। आजादी होते होने के बाद इस देश का चेहरा बदलने के लिए, दुनिया में देश का नाम बदलने के लिए जिन लोगों ने काम किया इनमें हम जवाहरलाल नेहरू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री के रूप से उन्होंने अपने कंधे पर जिम्मेदारी ली और उन्हें लगता है कि सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि आज़ादी होते रहने के बाद उन्होंने देश को प्रजातंत्र के रास्ते पर ले गए और आज देश में जो डेमोक्रेसी हम देखते हैं इस डेमोक्रेसी की शुरुआत उसको ताकत देने की भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने की। इसके साथ साथ देश का चेहरा बदलना हो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और तीसरी एक बात की उन्होंने की जैसे बहुत बड़े इरीगेशन प्रोजेक्ट के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के तब शुरुआती में इस क्षेत्र में काम करने के लिए लोग आगे नहीं आते थे तो सरकार ने इसे भूमिका ली और देश में कई बड़ी फैक्ट्रीज लगाकर देश का चेहरा बदलने का काम उन्होंने किया। और ऐसे योगदान देने वाले प्रधानमंत्री और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने सदन में और सब भाषण की जो शुरुआत की वो शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के ऊपर किसी सिद्धम करने की बात और ये बात अच्छी नहीं है। राजनीति में अलग अलग विचारधारा होती है, मतलब भिन्नता होती है, तो जिन्होंने देश के लिए कुछ काम किया वह कहीं नजरअंदाज नहीं कर सकते, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, इन सभी ने कुछ न कुछ देश के लिए
अच्छा काम किया है, यह हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री खुद इस पर ध्यान नहीं देते, ये बहुत बुरी बात आज हमने अभी देखी। मगर ठीक है, उन्होंने एक गलत संस्था का स्वीकार किया है, मगर पूरा विश्वास है कि देश की नई पीढ़ी ऐसे गलत संस्था पर एक इतिहास का लोगों के सामने रखने का काम करने वाली जो विचारधारा है उसको दूर रखने का काम अच्छी तरह से करें। मैं यहाँ ज़्यादा बोलने के लिए खड़ा नहीं हूँ, मुझे ये बताया गया कि आपसे से कुछ साथियों को कुछ क्वेश्चन पूछना हो और मेरी राय इस क्वेश्चन पर जानना चाहते हैं तो जो कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं और जो कुछ पूछना है जरूर पूछ सकते हैं। हम में से कुछ साथी जो सवाल पूछना चाहते थे। हाँ जी प्लीज। हर्ष माइक माइक ले। नमस्ते साहब। ये सुन सकते सुन रहे हैं? ऐसे ही बोल रही हूँ। जोर से बोल दो ना आगे आके। साहब जब यूनिवर्सिटियों को छावनी बना दिया जाए और विरोधों को इतना दबा दिया जाए कि अगर कोई विद्यार्थी विरोध करने आए तो उसके एकेडमिक के साथ साथ उसके ऊपर केसेस लगा दिए जाएं। हाल ही में दो दिन पहले विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में 150 दिन से एक प्रोफेसर आंदोलन कर रही थी, उसके साथ एक छात्र जो था उसकी आवाज को दबाने के लिए उसके ऊपर चाय की पूरी चाय बनती भी खोलती भी चाय उसके ऊपर फेंक दी गई, उसको जला दिया गया। तो ऐसे में हम छात्र जो विरोध करना चाहते अपनी बात रखना चाहते रखे तो रखे कैसे? आजकल हम लोग ये देख रहे अखबारों में पढ़ रहे कि कई यूनिवर्सिटी में एक क्लास तैयार किया गया है जो सांप्रदायिक विचारों का पुरस्कार करता है। जो नौजवान अपनी राय रखने के लिए आगे आता है, संघर्ष करने की बात करता है कि उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले करके एक तरह की दहशत पैदा करने का काम कुछ शक्तियाँ कर रही हैं। और इसकी शुरुआत मैं जानता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो गई और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहा, चाहे पूना हो, चाहे मुंबई हो, चाहे अन्य यूनिवर्सिटी हो, जहाँ जहाँ अपना विचार रखने का अपना अधिकार है ये नीचे लेकर जो नौजवान सामने जाता है इसके ऊपर सांप्रदायिक विचारों के जो लोग हैं नौजवान है वह हमले करते हैं और उन्हें अंधभाषण से यूनिवर्सिटी के कुछ अथॉरिटी भी संरक्षण करते हैं। रास्ता एक ही है कि जो सांप्रदायिक शक्ति इन सभी के खिलाफ एक जबरदस्त संगठन हम लोगों को तैयार करना होगा, जवाब को जवाब देना होगा, अहिंसा से जवाब देना होगा। मगर ये गुंजाबाजी करने वाली जो एजेंट है इसके खिलाफ हमें मजबूती से खड़ा रहना ही होगा। और कोई? दीपक। दीपक उसका था मेरा एक ये क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी जब एक है, पढ़ने वाले सभी साथी एक है, तो यूनिवर्सिटी में फीस के स्ट्रक्चर में इतना भेदभाव क्यों है? फीस स्ट्रक्चर, वो डिफरेंट कॉलेज के अंदर डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है, यूनिवर्सिटी एक है, स्टूडेंट्स एक है, फिर फीस स्ट्रक्चर चेंज क्यों है? सर डूसू में कैसा है, अलग अलग कैंपसेस की अलग अलग फी है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर सारे कॉलेजेस आते हैं, दो सारे कॉलेजेस की अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, यही क्वेश्चन। शहर में ऐसा होगा या मुंबई वहाँ इसी स्थिति है, सभी कॉलेज है जॉइंट फॉर आर्ट्स और साइंस और इन अदर टेक्निकल एजुकेशन
इसकी जो फीस होती है हमारे यहाँ कॉमन होती है। दूसरा मेरा सवाल ये था साहब कि नॉर्थ कैंपस जो है उसके अंदर सभी कॉलेजेस के अंदर हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बट साउथ कैंपस के अंदर कोई हॉस्टल नहीं है, ना किसी गर्ल्स कॉलेज के अंदर हॉस्टल है ना बॉयड के अंदर है। ये एजुकेशन कॉलेज है इनकी है या यूनिवर्सिटी की है। आज हॉस्टल जैसी सुविधा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं हो तो मुझे लगता है कि हम लोगों को मिलकर जो इंस्टीट्यूशन चलाने वाले लोग हैं इनकी मुलाकात करनी पड़ेगी, इनके साथ बात करनी होगी। साथ साथ भारत सरकार का जो शिक्षा विभाग है, जो कंसर्न मिनिस्टर है, इन लोगों के साथ आप लोगों को लेकर हम जरूर इनसे बात कर सकते हैं, उनके सामने की डिमांड रख सकते हैं, मगर इसके डिटेल्स आप लोगों को हमें देना पड़ेगा। हम आपको साथ लेकर यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ जाएंगे और ये आपके जो शिकायत है इनके सामने रखेंगे। धन्यवाद। उदय, वेरी गुड इवनिंग सर। सर माय क्वेश्चन इज दैट द रिप्रेशन ऑफ ओपोजिशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच इज रनिंग इन नाउडेज एंड द अनकॉन्स्टिट्यूशनल यूज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बाय द करंट गवर्नमेंट, हाउ मच इज दिस बैड फॉर एनी डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड सर? इट्स नॉट ओनली बैड, इट्स अ वर्स एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इज हैपनिंग इन आवर कंट्री नाउ। यू जस्ट ट्राई टू डिटेक्ट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड in Ranchi, in last week, in Jharkhand, the chief minister who was taking different side, he was arrested with this or that reason and he has sent behind bar. These type of incidences are happening in our country because those who are looking after the government at national level, their total efforts is undemocratic, intolerant, and they continuously trying to do this type of issue. We have to work together and fight this type of issue. Yes sir, it's side se kon? Pallavi, please. Mic dijiye Pallavi ko. नमस्ते सर, पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी होती है यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफ कैंपस में इतना प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अभी हमने देखा कि लेडी श्रीराम की एक लड़की को 40 लाख का पैकेज मिला है, वहीं अगर हम अदिति महाविद्यालय चले जाएँ तो आप ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वहाँ का कोई बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपॉर्चुनिटी तो छोड़िए, बच्चे को प्लेसमेंट में बैठने तक का प्लेसमेंट सैलरी अच्छा नहीं है हमारे कॉलेज का, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि हमें आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या हम बेरोजगार ही रहेंगे? आज तो स्थिति ऐसी है इस देश में एजुकेटेड यंगस्टर्स में एक तरह का फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है, और फ्रस्ट्रेशन इसलिए पैदा हो रहा है ग्रेजुएशन करके मेहनत करके अच्छी तरह से पास होने के बाद जो इनका और इनका फलिया होता है एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरा रोजगार या मेरी लड़की अभी ग्रेजुएट होगी कहीं तो उसको जॉब मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा और अपने घर में उनके कुछ न कुछ साथ होगी। मेरे अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इतना बढ़ रहा है और आज के लिए सुकून है इस पर ध्यान देती है, खाली लेक्चर देने से ऐसे इशू खत्म नहीं होगी। आज इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट सुधारने की आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट सुधारने के साथ साथ इंडस्ट्री से वो ज़्यादा कैसे निकलेगी इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको सफल से पॉलिसी रोने में करनी चाहिए। ये जब करेंगे तब कुछ न कुछ नया इंडस्ट्री या सेक्टर तैयार होगा और वो तैयार होगा तो कुछ न कुछ जॉब तैयार होगी
पंजाब तैयार हो गए तो नौजवानों के सामने कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा। और इसलिए आज अनएम्प्लॉयमेंट ये इशू हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नई स्थिति अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पर एक हो जाएगी, सरकार के ऊपर दबाव आएगी तो किसी राजनीति की सरकार हो उन्हें इसमें कुछ ना कुछ दोनों तैयार करना होगा। श्रेयस, तुम नमस्कार। सर, मैं श्रेयस यादव महाराष्ट्र से यहाँ दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो मेरा दो भागों में प्रश्न है। पहला, हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम अभी 20 साल के हैं, शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया में हैं, एक राजकीय भूमिका बनाने की प्रक्रिया में हैं, जब आज हम ये पक्ष बदल इतना सब देखते हैं तो एक भूमिका लेने में हमारी बहुत दिक्कत होती है कि क्या सच है या डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है, ये कौन सा पॉलिटिक्स है। तो हम कौन से वो मूल्य, कौन से वो पैमाने हम हमें ध्यान देना चाहिए जिन पर, जिनसे हम एक अच्छी राजनीतिक भूमिका बना पाए। पहली बात एक है कि हम सब लोगों ने एक चीज बनने रखनी चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट। प्रजातंत्र में आपका जो अधिकार है वो अधिकार मजबूत रखने का काम प्रजातंत्र, और जहाँ गलत कुछ काम होता है वहाँ कड़े जैसे अफसोस लेकर गलत को गलत करने की तैयारी रखनी चाहिए। और गलत सलाह देने वाले हो, गलत कार्यक्रम करने वाले हो, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम इसके खिलाफ मजबूत से खिलाफ रह सकते हैं। ये स्थिति हम पैदा करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है गलत रास्ते से जाने का सलाह कोई देगी नहीं। दूसरा प्रश्न क्या था? सर, दूसरा प्रश्न ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में जब 2019 का इलेक्शन लड़ा उससे पहले एक मुद्दा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा स्टैचू अरेबियन सी में बनाया जाएगा, जो कि 2022 में पूरा हो जाएगा बनकर। आज ये 2024 है, गढ़ किलों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ स्टैचू बनाने का वादा किया था वो भी आज पूरा नहीं हुआ है। तो क्या ये डेवलपमेंट की सरकार है? ये सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार डेवलपमेंट इसकी आवश्यकता होती, चाहे एजुकेशन का प्रोजेक्ट हो, चाहे इंडस्ट्री यूनिट हो, चाहे अच्छे सड़की हो, चाहे गाँव में बिजली हो, पीने का पानी का प्रबंध हो, ये सब की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर हम सब ये करेंगे, ये करकर हुकूमत हाथ पे आने के बाद ये सब इश्यूज के बारे में नजरअंदाज करके अपने लिमिटेड मर्यादित जो विचारधारा है वो फैलाने के लिए काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। अभी मैंने एक घंटा प्रधानमंत्री का स्पीच सुना और इसमें उन्होंने कुछ दो चार बातें बताई, बस ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बातें बताई कि जिससे जो समाज का अलग अलग क्रोध है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इन सभी के बारे में एकता की फैदा भक्त होगी, ऐसा विषय उन्होंने सामने रखा नहीं। मैं सड़के सीखे इस तरह से बातें उन्होंने सामने रखी कि समाज में हम कुछ चंद लोगों की हितों की रक्षा करने वाले, और जब जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारी होती है ऐसे लोग इस तरह की सांप्रदायिक विचारधारा को मदद करने के बाद फैलाते हैं कि देश के लिए ठीक नहीं, इनके खिलाफ हम लोगों को जहाँ मौका मिलेगा वहाँ आवाज उठाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने सभी विद्यार्थी के सवालों को समझा, उनकी समस्याओं को समझा और समाधान भी देने का काम किया। ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशन है। और आज इस कार्यक्रम के समापन की ओर हम लोग जा रहे हैं।
मैं सबसे पहले फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे नेता आदरणीय पवार साहब, और आज की सिचुएशन में मैं फिर यही बोलूंगा कि साहब हमारा पक्ष, हमारा चिन्ह, हमारी विचारधारा आदि हो, जो भी आप कदम लेंगे, जो भी आप ये करेंगे, देश का युवा पूरा आपके साथ में है। मंच पर मौजूद चाको जी, जिन्होंने हम लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन दिया, बताया किस तरीके से, बहुत ही विद्वान नेता आदरणीय डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, क्रांतिकारी साथी सोनिया दुबन जी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजेस से इतने समय